अगर आपके पास IFB की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है या फिर आप परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि IFB की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते समय आपको किन किन खास बातों का ख्याल रखना है। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ये IFB फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डेमो वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको एक एक फीचर के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, मानेगा और बोर्ड भी चालू रखना है। ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे दिया होता है, इधर से ऑन करना है, इधर से ऑफ करना है। ठीक है, पानी है जो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, ऑटोमेटिक ले जाए, है ना। ये जो रहता है डिटर्जेंट ट्रे, ये जो ब्लू ट्रे दिया हुआ है ये ओनली खाली लिक्विड के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अदरवाइज आपको पाउडर यूज़ करना हो इमरजेंसी में तो इसको निकालना है, डायरेक्ट ही पाउडर जाएगा वो। ठीक है, इसमें नहीं डालना है आपको, कंफर्ट मेल जो भी आ जाता है इसमें आ जाता है, परफ्यूम वगैरह जो भी कपड़ों को स्मेल के लिए देते हैं वो इसमें। और ये प्रे वॉश रहता है, जैसे कि डबल बार आपको पाउडर देना होता है, बेडशीट हो गई, ब्लैंकेट हो, उनके लिए दिया हुआ है ये। ठीक है, इसको एक बात याद रखना, कभी भी ये जो फेस है इसका, ठीक है, इसको ये खांचे में बिठाना है। ठीक है, इसको अदरवाइज आप उल्टा भी लगा देते हो तो ये लॉक हो जाएगा, ये खुलेगा नहीं। ठीक है, दोबारा खुलेगा नहीं, फिर टेक्नीशियन को आना पड़ेगा, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको सही लगा। ठीक है, 9 kg की आपकी मशीन है, कम से कम 20 से 22 कपड़े आपको इसमें इंस्टॉल करना है। एक एक कपड़ा आपको खोल के डालना है, पॉकेट से चेक करना है, कॉइन सेफ्टी पिन से कुछ अदर चीज है तो नहीं। ठीक है, इसको टोल लगा के इधर से प्रोग्राम, इधर सबसे पहले अपना प्रोग्राम आ जाता है एक्सप्रेस वॉश। एक्सप्रेस वॉश क्या रहता है, जैसे कि खाली कपड़ों को रिफ्रेश करना है, ऑफिस वर्क कपड़े हो गए या कवाट में बहुत दिन से कपड़े रखे हुए दोनों को, उसके लिए वॉश करने के लिए एक्सप्रेस वॉश रहता है, आधे घंटे का प्रोग्राम रहता है। ठीक है, इसके नीचे आ जाता है बल्कि वेटिंग, जैसे कि बेडशीट हो गई, चद्दर वगैरह, इन सब में वॉश होता है। यूनिफॉर्म के लिए अलग से दिया हुआ है, वूलेंस मतलब जैसे कि ठंडी के जो कपड़े रहते हैं, जैकेट टोन वाले ज़्यादा मोटे कपड़े, उनके लिए वो ले से। और लिहाजा कर्डर वॉश, जैसे कि और मोती वाले जो कपड़े रहते हैं, डैमेज हो सकते, फट सकते, उनों के लिए ये प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पूरा ड्रम नहीं घूमेगा, इसमें हाफ ड्रम ही घूमेगा, मतलब बच्चों के और हाँ नाजुक कपड़ों के लिए। ठीक है, मैडम की साड़ी वगैरह हो गया महंगे, उनके लिए आधा ही ड्रम घूमेगा, इसमें पूरा ड्रम नहीं घूमेगा, खाली झूला कह रहा है। स्पिन ड्राई है, खाली स्पिन करने के लिए है, कपड़ों को ड्राई करने के लिए, पानी निकालने के लिए है। ये बारिश में यूज, हाँ बारिश में यूज कर सकते। रिंस स्पिन, ठीक है, रिंस स्पिन कपड़े खंगा लेगा और सुखाएगा, वॉश नहीं करेगा। ये जैसे मैनुअल दिया हुआ है दो दो ये। ठीक है, इसके नीचे टप क्लीन का लोगो दिया हुआ है। टप क्लीन क्या रहता है, जैसे 45 वॉश हो गया, 60 वॉश हो गया, तो एक डी स्केलिंग पाउडर आता है टप क्लीन, वो आपको इधर ये क्रैंक डालना है, पाउच डालना है। ठीक है, और ये टप क्लीन नीचे दिया हुआ है, इसको 3 सेकंड तक आपको प्रेस करना है टेम्परेचर बटन को, इधर टप क्लीन शो हो जाएगा। ठीक है, और इधर से आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगेगा इसमें, पहले आपको 3 सेकंड तक दबाना पड़ेगा इसको, तब जाके ये फंक्शन ऑन होगा। ठीक है, इधर दिया, इधर भी दिया हुआ है लिखा हुआ है ना, याद नहीं रहता आपको। फिर आ जाते हैं अपन, ये जो लोगो दिया हुआ है ये सब स्टीम के दिया हुआ है। ठीक है, इधर वाले प्रोग्राम स्टीम वाले है, इतने टाइम प्लस होगा, 1 घंटा 10 मिनट मिक्स सोइल ले। ठीक है, इसमें मिक्स में आ गया कॉटन, आ गया पॉलिस्टर, आ गया जींस, आ गया शर्ट हो गया, वाइट शर्ट हो गया, सब इसमें डेली का रूटीन का प्रोग्राम ये है। और कॉटन नॉर्मल, कॉटन का जो नॉर्मल कपड़ा रहता है, वाइट शर्ट हो गई या वाइट कुर्ती हो गए, उनों के लिए भी सेंसिटिक जो पॉलिस्टर के जो कपड़े रहते हैं डेली के, उनों के लिए एंटी एडिट, जैसे कि घर में कोई बीमार हो, हॉस्पिटल के कपड़े हो, बैक्टीरिया वाले कपड़े हो, उनके लिए दिया हुआ है ना। ये बेबी वेयर, ठीक है, बेबी वेयर में बच्चों के जो कपड़े रहते हैं 5 से 6 महीने के, वो वाला प्रोग्राम दिया प्लस स्टीम के साथ। ये कलर वोर्स भी सेम है, बेबी बेबी और ये बस उसमें स्टीम है, हाँ बस स्टीम का आगे। और पावर स्टीम, जैसे कि ज़्यादा स्टीम देना हो कपड़ों को, तो वो अलग से वो दिया हुआ है।
खाली कपड़ों को रिफ्रेश करना है, एक्सप्रेस वॉश हो गया और रिफ्रेश हो गया, प्रोग्राम सेम है बट इसमें स्टीम का दे दिया है, कपड़ों रिफ्रेश के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आपको ज़्यादा लोड कर दोगे मशीन को तो मशीन है ना जगह से हिलने लग जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अदरवाइज आप कुछ डाल लेते हो या गलती से कुछ चला भी गया पॉकेट से, तो ये इधर एमरजेंसी में पानी निकालने के लिए भी ड्रेन फिल्टर दिया हुआ रहता है, इसमें कॉइन सिक्का सेफ्टी पिन कुछ भी करता है तो इसमें आ जाएगा। मशीन में टेक्नीशियन कोई भी इशू रहता है तो मशीन एरर शो करेगी, तो आप आईएमडी कस्टमर केयर पे आप अपने रिकॉल पे टेक्नीशियन को बुला सकते। और कुछ समझ में नहीं आया हो बता। जो ये ट्रेन स्ट्रेन में ये वाले में पाउडर डलेगा, ये प्रायर वॉश मतलब प्रायर मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के लिए दिया हुआ है प्रायर वॉश। और लिक्विड हमेशा इसके साथ डालना है? हाँ, इसमें ही डालना है आपको। हाँ। ये केयर थोड़ा ढीला रखना है, ज्यादा दबा के नहीं रखना है, लिक्विड के लिए, बाकी तो पाउडर के लिए बस ये निकाल लेना जी, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ प्रोग्राम में, ये सब स्टीम वाले प्रोग्राम है, ठीक है। इधर दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है, आपको लग रहा है टाइम ज्यादा है, ठीक है, इधर टाइम सेवर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, टाइम सेवर पे जाना है अपन को और इधर सिलेक्ट करना है, ठीक है, 57 मिनट टाइम माइनस हो गया। अदरवाइज आपको स्टीम लगाना है तो स्टीम भी यहीं से लगेगा और हटेगा भी यहीं से, ये स्टीम आ गया, ये अपन ने सिलेक्ट करा तो टाइम प्लस हो गया, 1 घंटा 35 मिनट हो गया। अच्छा, स्टीम मैन्युअली सिलेक्ट करना ही पड़ेगा? हाँ, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं आएगा, इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, है ना, ये सब प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाएंगे, इन सब में नहीं, इन में लेकिन कर सकते हैं चाहे। हाँ, इसमें तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें ये वाले मिक्स्ड जैसे ये नहीं, इनमें करना पड़ेगा सर, अपन डबल बार रिलीज करना हो, शॉप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, कपड़े गलाना है फिर वॉश करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, प्रे वॉश के लिए भी दिया हुआ है मशीन, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर लिक्विड ही यूज़ करो तो सही है, और मेंटेनेंस के लिए भी स्केलिंग जो पाउडर आता है वो डाल दीजिए आप, और कुछ भी इशू नहीं है। जैसे मान लो मेरे को ये कुछ भी एक ऑप्शन वॉश करना है तो उस पर जाना है? हाँ, ये इस पर जाना है और ये स्टार्ट का बटन है, जैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, जैसे आप स्टार्ट करोगे डोर लॉक हो जाएगा, डोर खुलेगा नहीं, डोर वॉश होने के बाद भी कम से कम 10 से 15 सेकंड के बीच में ही डोर खुलेगा, उससे पहले डोर खुलेगा नहीं। और डायरेक्ट यहाँ से जैसे कि लाइट गई तो जहाँ से प्रोग्राम बंद हुआ है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ से बंद करते हो तो वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने किया, हाँ, जैसे मान लो अभी मेरे को कहीं बाहर देना और मैं चाह रहा हूँ आप मेरे को नहीं धोने में कल परसों आके वहाँ से, ठीक है। इसमें डिले का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि डिले कई आप हार जा रहे हो, ठीक है, सुबह 7 या 6 बजे पानी आता आप नहीं आ सकते हो, तो इसमें एक मिक्स ऑयलेंट में कपड़े डालना है, लिक्विड डालना है मशीन में, इधर से टाइम सिलेक्ट करना है, कितने घंटे बाद आपको मशीन चालू करना है, ठीक है, 6-7 घंटा लग जाएगा आपको, इधर से स्टार्ट करना है, मशीन 7 घंटे बाद ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, पानी लेके वॉश कर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जब तक आप आओगे तो कपड़े कंप्लीट मिलेंगे। जो बेसिक डेली वाला जो वॉशिंग प्रोग्राम है वो कौन सा है? मिक्स ऑयल है ये डेली का? हाँ, ये डेली रूटीन का प्रोग्राम है। नॉर्मली जैसे जेंट्स हो गया या जींस ही रहते हैं और वो हफ्ते में एक बार वो एक दो बार चादर धुलती है तो वो उसके लिए कौन सा रहेगा? जैसे कि वो जींस से ज्यादा खराब रहती है, हार्ड कपड़ा रहता है, उनके लिए दिया हुआ है कॉटन, नॉर्मल में भी धो सकते हो आप, ठीक है, और एंटी एजेक में भी धो सकते हो, इनमें टाइम ज़्यादा लगेगा बट क्या है वॉश क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा। ये स्टीम? हाँ, ये नहीं ये स्टीम है, ये विदाउट स्टीम में धोना है तो विदाउट स्टीम में? हाँ? तो इधर से आपको स्टीम लगाना है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो विदाउट स्टीम का ही है सब प्रोग्राम ऐसा है, ठीक है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टीम लगाना हो। कौन सा होता है? सिंथेटिक नहीं, एंटी एजेड, एंटी एजेड, हाँ, है ना, ये टाइम ज़्यादा लगता है, 2 घंटे 11 मिनट का प्रोग्राम है, स्टीम लगाते हैं अपन तो देखते हैं अपन कितना टाइम हो जाता है, मुझे हम किसी भी वॉशिंग में टेम्परेचर बड़ा घटा रहे सर, ठीक है, 2 घंटे 11 मिनट थे, 2 घंटे 36 मिनट हो गए स्टीम के साथ, ठीक है, 2.5 घंटे का प्रोसेस रहता है वॉश रेंज स्पिन करके,
तीनों और साथ में लास्ट में स्टेम रख के आपको कंप्लीट। जैसे स्पिन ड्राई में ना लॉन्ग जीलिंग अपना टेंपरेचर बढ़ा दें तो और ज्यादा जल्दी। नहीं ऐसा नहीं है, पानी गर्म होगा नहीं, खाली स्पिन ड्राई। हाँ खाली स्पिन ड्राई कराओगे इसमें सब दिया हुआ है, मिक्स सॉलिड लगाओगे, वॉश होगा, रिंस होगा, स्पिन होगा, सब एक साथ दिया हुआ है, आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो तो कहीं बाहर गए हो कपड़े सुखाना भी गए हो तो रिंस स्पिन के लिए भी, या रिंस स्पिन इसलिए भी काम आता है, नील करना हो, परफ्यूम वगैरह डालना है ना, कपड़े खंगा लें तो उनके लिए भी ये यूज आता है। लास्ट में भूल गए आप इसमें नील डाल आता है वाइट पैक, तो उसके लिए भी ये काम आता है। स्पिन ड्राई तो खाली कपड़े ड्राई करने के लिए, छोटी वाली, हाँ छोटी वाली। पाउडर और लिक्विड में से दोनों में से बेस्ट क्या रहता है? लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जो पाउडर रहता है ना, अदरवाइज पाउडर क्या रहता है, कहीं भी व्हाइट शर्ट पे चला जाता है या ब्लैक शर्ट पे जाता पेंट पे जाता है तो व्हाइट व्हाइट से धब्बे छोड़ता है वो। ठीक है, और स्केलिंग ज्यादा जमती है, तो स्केलिंग रहती है व्हाइट में, वो ज्यादा जमता है, उससे जंग भी पकड़ती है, तो सबसे अच्छा है मशीन में लिक्विड यूज करना। ठीक है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम जो नॉर्मली कस्टमर मिस्टेक कर देते हैं या दिक्कत आती है ऐसे कुछ एरर, वो कौन कौन से बेसिक एरर रहते हैं या सावधानी रखनी चाहिए कस्टमर को? कस्टमर को सावधानी ये रखना चाहिए, कभी भी कपड़े डालो तो मिनिमम जितना टेक्नीशियन बोल के गया है उतना ही डालना चाहिए, ओवरलोड मशीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मशीन क्या जगह से हिलेगी भी, वहाँ से पाइप लीकेज हो जाएगा, मशीन आगे आ जाएगी, मशीन गिर भी सकती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ओवरलोड नहीं करना है। ठीक है, और डायरेक्ट वहाँ से बंद नहीं करना है, एरर आता है हाई लो वोल्टेज का एरर आता है तो आप वहाँ से डायरेक्ट बंद कर दीजिए। ठीक है, हाई लो वोल्टेज आता है तो ही करना, नहीं तो ये पीसीबी फायर हो जाती है। पीसीबी का खर्चा, पीसीबी का खर्चा मतलब कंपनी देती है, बट इसमें एरर इसलिए देता है कि कस्टमर को पता चले कि हाई वोल्टेज आपके यहाँ आ रहा है ना, इसके लिए एरर देती है। जो भी सब चीज का एरर दे रहा है इसमें, डोर लॉक, प्रेशर सेंसर, पानी का प्रेशर भी कम आ रहा है तो टेप का एरर देगी वो, हर चीज का एरर है इसमें। ठीक है, आप डायरेक्ट टेक्नीशियन से भी कॉल कर सकते हैं या मुझसे कॉल कर तो पूछ सकते हो इस चीज का एरर आ रहा है, ये E1 आ रहा है, E2 आ रहा है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ये E1 E2 क्या होता है वैसे? E1 एरर आता है, E1 मतलब डोर लॉक, इन सबका लाइन टू लाइन रहता है। डोर लॉक हो गया तो कस्टमर भी ओपन कर सकता है ना? नहीं, ये क्या है, टेक्नीशियन को आना पड़ता है, आना ही पड़ता है, क्योंकि डोर लॉक कभी खराब भी हो जाता है, जल भी जाता है, तो उसके लिए ज्यादातर जलता नहीं है, खराब ही होता है। ठीक है, आराम से ही लॉक करना है इसको, बस ज्यादा खींचना दबाना नहीं है, और इस पर थोड़ा भी बाहर नहीं देना, ये जो रहता है इस पर बाहर नहीं देना। ठीक है, यहाँ से वो लॉक टूट गया तो ये पूरा चार्जेबल हो जाता है। कस्टमर को यह ध्यान रखना है, कार का बॉडी की वारंटी नहीं आती है, ये कस्टमर डिफेक्ट आ जाता है, कुछ भी मशीन गिरती हो या स्क्रैच आता है तो वो नहीं रहता, एक वायर का वारंटी नहीं आती, चूहा हो गया, जल गया, हाई लो वोल्टेज आ गया, तो इन सब का वारंटी नहीं आता, ये कस्टमर डिफेक्ट होता है ना, चूहा गया तो वो कस्टमर का रहता है करना है इसमें। ठीक है, पॉकेट चेक करके एक एक कपड़ा खोल के डालना है और सीधे करके डालना है, उल्टे नहीं रहना। जैसे अभी लोअर में चैन है तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस अंदर कुछ होना नहीं चाहिए, ये उल्टे कपड़े है वो सीधे ही डालना है, उल्टे नहीं डालना। तो लो करना है, पाउडर यूज कर रहे अपन, ट्रे में खास पाउडर डालना है, ज्यादा कपड़े नहीं है तो अपन रखेंगे एक्सप्रेस वॉश पे। ठीक है, जैसे स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट यहाँ से होगा। हाँ, स्टार्ट यहाँ से होगा, सबसे पहले पानी, कोई भी नया प्रोग्राम चालू करोगे आप, ड्रेन पंप चालू होगा, जो भी गंदा पानी हो या जमा हुआ पानी होगा वो पहले बाहर निकालेगा, उसके बाद नया पानी ले रहा हो ना, ये पानी लेना स्टार्ट हो गया, स्क्रब भी चला गया होगा हमें, अभी पहले सबसे पहले प्रे वॉश में आएगा, फिर इसमें आएगा वॉश। ठीक है, सॉफ्टनर वगैरह या खुशबू वाला कोई डालना है तो इसी में डाले? हाँ, बीच वाले में डालेगा वो। Yes. हाँ, जो सेंसर आता है, जो परफ्यूम के लिए, वो इसमें डलता है।
तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन IFB की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जरूर क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको आपके सवालों का रिप्लाई कमेंट के माध्यम से हमारी ओर से मिल जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।